राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आज भी संसद में अपनी आवाज बुलंद की। भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। 60 सेकंड में देखिए आज क्या हुआ। लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने के विरोध में कांग्रेसी सांसद आज काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे, सदन में हंगामा किया और स्पीकर पर कागज फेंका। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। वो नहीं मान रहे हैं और हम ये चाहते हैं सत्य बाहर आ जाओ। और अदानी ने जो इतने पैसे केवल 2.5 साल में अगर उसकी संपत्ति बढ़ी है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? और अगर ऐसा कोई उनके पास जादू है 2.5 साल में 12 लाख करोड़ रुपए बना सकते हैं, हम भी देश के लोगों को बताएंगे, देखो भाई 2.5 साल में 12 लाख करोड़ मोदी जी ने उनको मुनाफा कर दिया, वो रास्ते तुम भी अपनाओ। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आज संसद में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। इधर राहुल गांधी के समर्थन में तमिलनाडु के चेन्नई में आज काली शर्ट पहनकर कांग्रेसी विधायक हाथों में तख्तियां लिए विधानसभा पहुंचे।